पिछले 19 अगस्त को एक ट्रेन में गोहमर स्टेशन के समीप आरपीएफ के दो जवानों की निर्शस हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोप लगा था कि कई शराब माफिया जो थे वो ट्रेन की वैक्यूम करके ट्रेन में शराब चढ़ा रहे थे और उनको आरपीएफ के दो जवानों के द्वारा जब रोक टोक किया गया तो उनके साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद निर्शस हत्या करके ट्रेन से शव को ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिसके बाद इस मामले में यूपी पुलिस और अन्य सहयोगी दलों के द्वारा कई कार्रवाई किया गया, एक्शन पर एक्शन लिया गया, 6 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया और एक कल आरोपी जिसका नाम सोनू उर्फ जाहिर बताया गया है, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ के आसपास का रहने वाला है, उसे यूपी में ही एक इनकाउंटर में मार गिराया दिया गया। यूपी में इनकाउंटर होते ही राजनीतिक जो सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने लगे हैं, लेकिन उन सब के बीच जो सबसे अहम कड़ी है वो दिवंगत आरपीएफ जवान प्रमोद कुमार का परिवार है। इसमें प्रमोद कुमार का परिवार का क्या कहनाम है, उनका इस इनकाउंटर के बारे में क्या राय है, प्रतिक्रिया है, हम वो जानने के लिए सोनघट्टा गाँव में पहुंचे हुए हैं जहाँ प्रमोद कुमार का ससुराल हुआ है। यहाँ पर उनकी पत्नी सीमा देवी हैं, उनके बच्चे हैं, सास है, ससुर है और पूरा परिवार है। इस बीच इनकी पत्नी का रो रो करके बुरा हाल है, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस इनकाउंटर को ये कितना अच्छा या बुरा मानती हैं। इस इनकाउंटर से आपको क्या लगता है, इंसाफ मिल गया है? जी, इंसाफ तो मिला है, मगर जो जो भी आरोपी है इस घटना का अंजाम दिया है, इतनी बुरी तरह से मेरे पति को मार पीट कर और उसके बाद उनको ट्रेन से फेंक दिया गया है, वो गले में एक लॉकेट पहने थे, वो लॉकेट को भी बहुत बुरी तरह से खींच खाच कर पूरा गर्दन पे भी बहुत निशान था, हाथ में एक रिंग था वो भी ले गए लोग, और इतना बेरहमी से मारा है कि बताइए कि स्टाफ जानकर कि ये स्टाफ है फिर भी इतना बेरहमी से लोग मारा है, उन लोग के साथ एकदम बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सब किसी के साथ जितना जितना का नाम आ रहा है आरोपी है सबके साथ इनकाउंटर या फांसी की सजा होनी चाहिए। जोगी जी से हमको हाथ जोड़ कर यही विनती है। इसमें उस समय उस दिन क्या हुआ था ट्रेन में आपके पति के साथ, कुछ आपको जानकारी मिला कैसे कैसे क्या हुआ था? जी नहीं, हमको जानकारी कैसे मिलेगी, हम तो बात ही नहीं कर पाए, हम 12:45 तक उनसे बात किए हैं, उसके बाद वो 12:55 में मेरे पास मिस कॉल ही करके रह गए, बोले कि हम 10-15 मिनट में कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वो कॉल नहीं कर पाए, सिर्फ मिस कॉल आया था 12:55। और उसके बाद कोई बातचीत आपसे नहीं? नहीं, बातचीत कोई नहीं, बस यही बोलकर गए थे कि सिर्फ 2 दिन के लिए ड्यूटी जा रहे हैं, हमको नहीं पता था कि 2 दिन का हमेशा के लिए नहीं आ पाएंगे, दुश्मन से भेंट हो जाएगा या शराब माफिया से भेंट हो जाएगा, वो लोग इतने बुरी तरह से मार कर फेंक देंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो कि मेरे पति के साथ हो गया। आई दो जवान थे, एक उनके दोस्त जावेद थे और एक ये थे, दोनों आदमी को इतने बुरी तरह से लोग पीटा और उसके बाद ट्रेन से फेंक दिया। ड्यूटी मोकामा के लिए जा रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर मोकामा है इन लोग का, ये मोकामा जाने वाले थे और वहाँ से दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले थे, सिर्फ 2 दिन के लिए ड्यूटी गए थे और ऐसा कुछ बात नहीं है, वो लोग बिना दोषी के मर्डर किए हैं, सिर्फ ये अपना ड्यूटी निभा रहे थे। पति की आपके मौत का लगभग 1 महीना हो चुका है, कोई मदद मिला है सरकार से? जी नहीं, बिल्कुल हमको यूपी के तरफ से मदद मिला है, बिहार से बिल्कुल मदद नहीं मिला है, बिहार से बिल्कुल हम असंतुष्ट हैं। तो आपके पति नहीं रहे, ड्यूटी पर शहीद हो गए, 3-3 बच्चे हैं, कैसे पालन पोषण करेंगे? वही तो सोच सोच के मेरा बुरा हाल हो रहा है कि हम मेरे पति नहीं रहे, हम अकेले 3-3 बच्चे का कैसे पालन पोषण कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही सोच के तो मेरा खुद लग रहा है कि हम भी नहीं जी पाएंगे, ऐसा हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है, किस शहर में रहते हैं? हम तो मुगलसराय में रहते थे, वहीं पे एडमिशन हो गया था एक क्लब स्कूल में, मगर वो लोग गलत तरीका से भैकम पे भैकम किए जा रहा था, शराब चढ़ा रहा था, तब ये रोक टोक किए, जिसके रोक टोक करने की वजह से 20 को मिलकर सब ऐसा कांड कर दिया है, सबको सजा मिलेगी तब हमको न्याय मिलेगा, मेरे पति की आत्मा का शांति मिलेगा। तो ये दिवंगत जो प्रमोद कुमार कांस्टेबल थे आरपीएफ की, ये उनका पूरा परिवार है, सोनघट्टा में अभी सारे लोग एकत्रित हुए हैं, इस दुख की घड़ी में एक दूसरे को परिवार संतावना देने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस पे जो इनकाउंटर हुआ है सोनू उर्फ जाहिद का, उसको कहीं ना कहीं इनका पूरा परिवार जायज मान रहा है और उसको ये इनका कहना है कि जो उसके साथ हुआ है वो एकदम होना ही चाहिए था, और इतना ही नहीं जो उसके साथ अन्य जो दोषी हैं उन लोगों का भी
यूपी पुलिस या अन्य पुलिस बल के द्वारा इनकाउंटर ही होना चाहिए, तभी जो दिवंगत प्रमोद हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनकी हत्या के बाद उनको इंसाफ मिलेगा। लोकल बुलेटिन के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।